लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी आरजेडी कार्यालय में हूँ और मेरे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सर हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को अपना जमीन जायदाद बेच करके जो गरीबों का पैसा बर्बाद हुआ है उसमें देना चाहिए। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो गरीबों के लिए काम कर ही रहे हैं, उनको जमीन जायदाद बेचने की ज़रूरत नहीं है। जो बीजेपी ने अपना जमीन बेच दिया, गरीबों का शोषण किया है और अडानी अम्बानी को लुटाया गरीबों का पैसा, गरीबों को परेशान किया है, पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन गरीबों के आंसू को पोंछने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी किस मुँह से जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करेगी। सर, लेकिन ये दोबारा पुल ध्वस्त हुआ है, दोबारा तो बीजेपी के शासन में ही ना हवा में उड़ा था। तो बीजेपी ना पिछले 5 वर्षों से थी इस विभाग में, तो वो सारा खेल बीजेपी का हुआ है। बीजेपी का पूरे इस पुल का जो निर्माणाधीन पुल एक वर्ष में दोबारा गिर गया, इसके लिए जिम्मेवार सीधे तौर पर भाजपा है और पूरी जांच में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर तो कठोर कार्रवाई होगी ही, और जो बना रहा था पुल कंपनी उससे भी जुर्माना वसूला जाएगा। एक एक चीज़ की जांच हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया जाएगा। लेकिन सर, हम कह रहे हैं कि जुर्माना वसूला जाएगा, ये तो तेजस्वी यादव जी ने 1 घंटा के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। अब कौन देगा, पूछ रहे हैं आप। रेल दुर्घटना पर क्या कहेंगे सर? रेल दुर्घटना के लिए सीधे तौर पर रेल मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, ये सरकार की नाकामी है। रेल का भट्टा बैठा दिया, पहले रेल के सुविधा के लिए सेफ्टी के लिए इतना व्यवस्था था, रेल का किराया नहीं बढ़ाया जाता था, आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे। आज रेल किराया बढ़ गया है, सुख सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, न नौकरी मिल रहा है रेलवे में, रेलवे को निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उनका बजट रेल का अलग होता था वो ख़त्म कर दिया, मजाक बना कर रख दिया, इतने लोगों की जानें चली गई, उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है रेल मंत्रालय के मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री पर, रेल दुर्घटना पर कहने रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और जो अगवानी सुल्तानगंज पुल जो ध्वस्त हुआ उस पर जो कंपनी है, कंपनी से जुर्माना वसूला जाएगा, उनसे जुर्माना वसूल करके जो खर्च हुआ वो खर्च वहन वही करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।